थैंक गॉड कि आज बहुत बढ़िया दिन है और बढ़िया होने वाला है। आज मैं आपका होस्ट और परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं कि आज हमें मौका मिला एक बड़ी वर्चुअल स्टेज के ऊपर होस्टिंग करने का। और अभी हम ज्यादा समय ना लेते हुए जरूर आज हम इनवाइट करेंगे आज स्पीकर को। और दोस्तों अगर जितने भी लीडर हैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट है, अगर ड्रेस कोड में है तो जरूर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और कैमरा ऑन करके जरूर हम टैपिंग करेंगे आज के हम स्पीकर के लिए। तो बाय द वे उनके बारे में बता दूं, वो गवर्नमेंट जॉब में और जॉब के साथ साथ उन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा किया है और अच्छी जॉब है। दीदी जो हाउसवाइफ है उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनाया है और बनाया है। तो दोस्तों आज हम उनको सुनेंगे। तो मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा जरूर अपना पेन कॉपी नोटबुक अपने पास में रखें और उनकी बातें नोट करें ताकि वो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब ज्यादा समय ना रहते हुए आज इन्वाइट करेंगे हम स्पीकर को, तो हम सब जोरदार क्लैपिंग करेंगे इस वर्चुअल स्टेज के ऊपर। प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज प्लैटिनम है, फाउंडर प्लैटिनम जा रहे हैं, हेमराज बर्मन पूजा दी। ओवर टू हेमराज सर। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच और वार्म वेलकम आज इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर। तो बिजनेस शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ अपना इंट्रोडक्शन दे दे, फिर उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पूजा वर्मा और हम दोनों हसबैंड वाइफ मिलके बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं और बड़ा ही मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें, जैसे आज सर का प्लान है तो मैं चाहती हूँ कि सारे अपने पास डायरी और पेन रखें और इस प्लान को नोट करें। तो और बाकी बाद में बात करते हैं, जब सर का प्लान देखिए उसके बाद में आपके साथ फिर से बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच, हेल्प माई हस्बैंड। थैंक यू पूजा, थैंक यू। तो सबको नमस्कार, सभी दोस्तों को, सभी लीडर्स को जो इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से इस सुबह की प्यार भरी नमस्कार। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम हेमराज वर्मा है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं ड्रीमर तो बहुत था, लेकिन हमने बहुत अपनी जॉब के साथ बहुत सारे काम किए पर हमें किसी काम के अंदर सफलता नहीं मिली। जहां पे भी हमने काम किए, जहां पे भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया, वहां हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे काम किए हैं, पर दोस्तों एक बात वहां से सीखी है कि किसी भी काम को शुरू जब हम शुरू करते हैं, जब तक हमारी इन्वॉल्वमेंट उस काम के अंदर नहीं होगी तो हम उस बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जब हम किसी के बिहाफ पे या किसी पे डिपेंड हो गए, ये सोचते हैं कि उसकी वजह से उसके साथ पार्टनरशिप करके हम कामयाब हो जाएंगे या पैसा कमाएंगे, तो वो दोस्तों बहुत कम रियल चांस है। 99% फेलियर है और 1% चांस है कि चलो वो पार्टनरशिप चल जाएगी, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से करते थे काम हम, ठीक। फिर उसके बाद एक बार हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मिला पर हमने इस बिजनेस को किया नहीं सही तरीके से। फिर दूसरी बार हमने फिर से, क्योंकि हमारी जो दोस्ती थी वो बहुत अच्छी हो गई थी हमारे जो ग्रेट मेंटर है विजय, और विजय जी के साथ, विजय साथिया के साथ, तो उन्होंने कभी हमें मतलब अपने कॉन्टेक्ट में से बाहर नहीं जाने दिया। वो जब भी जम्मू आते थे कॉल करते थे, हम मिलते थे, तो वो हमारे साथ साथ बिजनेस बिल्ड करते करते गए करते गए। लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे इतने ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते थे। जब प्रोडक्ट यूज करते थे तो एक फेयर था कि एक ऐसा सर म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करें। प्रवीण जी आ रही है आवाज? आ रही है जी, आ रही सर, अभी आ रही। तो थैंक यू। तो आज हमें मौका मिला है इस मीटिंग सर फिर से म्यूट हो गया। बेस्ट दे सकूं तो
आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन के बारे में जिसका नाम एमवे है, ठीक है। क्यों हमें एमवे के साथ जुड़ना चाहिए, क्यों हम क्यों जुड़े इसके साथ, ठीक है। तो वो हम भी प्लान के अंदर ही सारी बातें क्या करेंगे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो एक शब्द है जिसको बोलते हैं वाई, क्यों करें। तो ये जो वाई शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर। प्रवीण जी ऑडिबल है सर, ऑडिबल है, ओके। एक मिनट मुझे चाहिए, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है बार बार, मुझे उसको थोड़ा सा अटेंड करना है। जी जी अनम्यूट करें सर, अनम्यूट कर लो आप, अनम्यूट कर लो। थैंक यू, सॉरी दोस्तों कि मुझे कॉल आ गया था ऑफिस से, तो वो कॉल अटेंड करना बहुत जरूरी था, इसलिए सॉरी। तो बात हम कर रहे थे कि जब भी कोई काम करते हैं, एक वर्ड मैंने पीछे दिया वाई, ये वाई शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। अगर वाई के पीछे अगर हम देखें तो क्या है, मनी। इस वाई के पीछे क्या है, मनी। इस मनी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सुबह से लेके शाम तक हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इसीलिए करते हैं। अगर हम देखें, एक एजुकेशन जब हम देते हैं तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है मनी। एजुकेशन लेने के बाद हम जब जॉब करते हैं तो कारण क्या है, मनी। कुछ लोगों को, कुछ लोग जॉब नहीं करते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, और मेन कारण क्या है उसका दोस्तों, मनी। फिर उसके बाद कुछ लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं, वो भी किस लिए, पैसे के लिए। हर जो भी सुबह से लेके शाम तक हम एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के पीछे हमारा जो कारण है, क्यों है, वो है पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ से पैसा हटा दिया जाए और कितने लोग कल एजुकेशन करेंगे, कितने लोग ज्यादा से बढ़िया बढ़िया स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या कितने लोग कल जॉब पे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर ये है तो ये चीजें हैं, तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो पैसा अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो कितना पैसा हमें चाहिए, और इस पैसे की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। इस पैसे की जरूरत इसलिए है कि हमारी कुछ नीड्स हैं और कुछ क्या है, ड्रीम्स हैं। ये दो चीजों के लिए क्या होते हैं, हम जिंदगी में दो ही चीजों के साथ जीते हैं। एक तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, दूसरा हम किसके लिए काम करते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए। पर दोस्तों अगर हम देखें, जब हम पैसे कमाने में, जब हम एंटर करते हैं, जब जॉब में, जब बिजनेस के अंदर, तो जितने जितने पैसे का हम बारे में हम सोचते हैं कि इतना पैसा हम कमाएंगे, उतना हम कमा नहीं सकते। तो उसके लिए अगर हम देखें, अगर ड्रीम की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, नीड्स के बारे में बात करें कि कौन कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। बिजनेस के अंदर जब कोई भी काम जब करते हैं तो उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये पहले भी जरूरतें थी और आज भी जरूरतें हैं, ठीक। और जैसे जैसे समय बदलता गया, बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी जरूरतें क्या होगी, बढ़ती गई, वो चीजें हमारी लाइफ के अंदर जुटी गई। जैसे क्या हो गया, मोबाइल आज क्या है, जरूरत है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, बेटर एजुकेशन फॉर चाइल्ड, ठीक है, ये भी एक क्या आज की हमें जरूरत है। फिर व्हीकल, गाड़ी, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये भी क्या है आज के टाइम की, ये हमारी जरूरतें हैं। और फिर बैंक बैलेंस, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, जरूरत है।
क्यों बैंक बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि अभी आपने देख ही लिया कि कोरोना के दौरान में जिनके बैंक में पैसे थे तो उनको टेंशन कम थी, जिनके बैंक में पैसे नहीं थे तो उनको क्या थी, ठीक है, उनको बहुत टेंशन थी। टेंशन इस बात की अगर बीमार हो गए तो इलाज कैसे कराएंगे, है ना। तो आज जो हम देखें, जो अगर आपने हेल्दी रहना है या अपना बीमारियों से बचना है, उसके लिए क्या है, बैंक बैलेंस होना जरूरी है। और बैंक बैलेंस अगर आपका है तो मेंटली भी क्या रहते हैं, ठीक है, थोड़ा शांत रहते हैं। अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो माइंड क्या रहता है, शांत रहता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, टेंशन होती है, टेंशन की वजह से क्या होती है, बीमारियां लगती है। और इसी तरह क्या आगे हमारी जो जरूरतों का सर्कल है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज गुड हेल्थ ये भी हमारी क्या है, जरूरत है। फिर पेरेंट्स हेल्प है, फिर उसके बाद आ गया आपका ट्रैवलिंग, ठीक है। आज ट्रैवल करना भी हमारे लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये हमारी हेल्थ के साथ जुड़ी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम एक हफ्ते के लिए कहीं घूम के आ जाते हैं तो एक साल का जो जितना भी टेंशन हमने कमाया है वो सारा रिलीज हो जाता है। इसीलिए लोग क्या जाते हैं, कोई पत्नीटॉप हो जाता है, कोई धर्मशाला जाता है, किस लिए, ताकि थोड़ा माइंड क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और वहां जाके हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। और ये हमने थोड़ी मोटी मोटी जरूरतें यहाँ पे लिखी है, तो क्या मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारी जरूरत का सर्कल है, और जरूरत का सर्कल ये है और इनकम का सर्कल ये है। अगर हम देखेंगे हमारी इनकम का जो सर्कल है वो छोटा है, जरूरतों का सर्कल क्या है, बड़ा है। अब जरूरतों का सर्कल बड़ा होगा, इनकम का सर्कल जब छोटा होगा, क्या चीज पैदा होगी हमारे दिमाग के अंदर, वो चीज होगी स्ट्रेस, ठीक है। इस स्ट्रेस के अगर हम देखें तो इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर प्रेशर पड़ता है और बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे शरीर को बीमारियां लगती है, जैसे बीपी, हार्ट, शुगर, ठीक है, कैंसर, अल्जाइमर, ठीक है, डिप्रेशन, ऐसी इस तरह के बहुत सारी बीमारियां क्या होती है हमारे शरीर के अंदर बनती है, वो किसकी वजह से बनती है, स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है इसकी वजह से बनती है। पर दोस्तों अगर हम देखें जो नीड्स हैं, ठीक है, कब कब कितने कितने पैसे की नीड्स पूरी हो जाती थी, कुछ सक्सेसफुल इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे सर्वे किए हुए हैं, उस सर्वे के बारे में अगर बात करूँ तो 1940 की बात की जा रही है, 1940 में 10 रुपये से एक परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती थी। फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए 20 साल के बाद आपकी इनकम 10 गुना बढ़नी चाहिए, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है। और आप खुद ही एनालाइज कर लो कि हाँ भाई ये सही है कि गलत है। 1960 में जाके यही फिर 10 के साथ एक जीरो लगा तो 100 हो गया, मतलब 10 गुना इनकम, ठीक है। हर 20 साल के बाद हमारी इनकम के साथ एक जीरो लगना चाहिए, मतलब 10 गुना इनकम हमारी बढ़नी चाहिए। तो वो हम चेक कर लें कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ, क्या हम जब से इस जॉब के अंदर हैं, क्या इतने साल से हमारी 20 साल के दौरान हमारी इनकम 10 गुना बढ़ी है। फिर इसी तरह क्या होगी 1980 में जाके फिर 1000 से पूरी जरूरतें पूरी होने लगी। फिर 2000 की बात की जाए तो 2000 में वही जरूरतें फिर 10000 में होना शुरू हुई, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें 10000 में जिसकी 10000 रुपए इनकम की इनकम थी तो वो खाली जरूरतें ही पूरी कर पा रहा था, कोई बड़ा सपना वो नहीं अपना पूरा कर पा रहा था। इसी तरह अगर आज हम देखें हम 2021 में हैं, और 2020 की अगर बात करें, 2020 तो पीछे चला गया और उसने बोला कि 2000 में कितने की जरूरत पड़ेगी, 1,00,000 रुपए की, ठीक है। आज दोस्तों 1,00,000 रुपए से आप मुझे बताओ, अगर आप 1,00,000 रुपए कमाते हो, इस 1,00,000 रुपए से क्या आप ड्रीम हाउस बना सकते हो, कोई ड्रीम कार ले सकते हो, कोई ड्रीम एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हो, क्या ड्रीम ट्रेवलिंग या ड्रीम डेस्टिनी पे जा सकते हो, बिल्कुल नहीं। आज दोस्तों 1,00,000 रुपए से खाली हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, ठीक है, इसमें हम कोई अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। आज भी हमें जब हमें लगता है कि महीने का जो लास्ट डे होते हैं तो फिर हम अपने आप को लास्ट वाले हफ्ते में ना अपने आप को टाइट करते हैं कि चलो यार अभी थोड़े से पैसे के कम हो गए हैं तो हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ जब हमारी इनकम आएगी तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, 1,00,000 रुपए से भी खाली जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर ये सिनेरियो चलता जा रहा है, आप सोचिए 2000 अगर 20 साल आगे चले जाएं, 2040 में चले जाएं, 2040 में वही जरूरत हमें कितने की, कितने में पूरी होगी, 10,00,000 रुपए, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाला आंकड़ा सही है तो ये भी सही होने जा रहा है, ठीक है। और 2010 में 2040 में आप
दस लाख से अपने ड्रीम नहीं पूरे कर पाओगे, आप खाली एक अपनी नीड्स को ही पूरा करोगे। तो आप सोच के देखो, अगर 2040 में 10 लाख चाहिए हमारी नीड्स को पूरा करने में, अगर ड्रीम को पूरा करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो आज हम आपको एक बात बताएंगे कि इस चीज को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है एमवे, जिसका प्लान अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एमवे कॉर्पोरेशन कहती है कि हम आपको एक मौका देंगे, एक मौका देते हैं, ये जो इनकम सर्कल है ना, इस इनकम सर्कल को आपको बड़ा करने का मौका देते हैं, मेरे साथ मिलकर आप क्या करोगे, ठीक है। अब जब इनकम सर्कल हमारे किसी सर्कल से, नीड सर्कल से बड़ा होगा, तो फिर हम अपने ड्रीम के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। आज अगर मैं अपनी ग्रेट अपलाइन की बात करूं, आज मतलब कि उनका इनकम सर्कल, जब वो हमारे दोस्त थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेडिकल प्रोफेशन से थे, ठीक है। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो आज उनका ये जो वाला सर्कल है ना, ये इस बिजनेस की, एमवे की बिजनेस की वजह से ये सर्कल उनका बड़ा हो गया। अब जब सर्कल उनका बड़ा हो गया, अब वो क्या करते हैं, अपने कुछ ड्रीम जो है वो पूरे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक घर बनाया अभी, ठीक है, तो मतलब कि जो उन्होंने अब पहले सोचा था, अभी तो उन्होंने बड़ा मतलब सोचा कुछ बड़ा घर बनाने के लिए, पर जितना उन्होंने सोचा था आज उन्होंने वो वैसा कर रहे हैं। जैसे गाड़ियां उन्होंने सोची थी, आज वो वैसी गाड़ियां क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, और जैसा वो अपने लाइफ जो जैसे चाहते थे, जिसमें फ्रीडम हो, वैसी वो लाइफ क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। हम भी अपने सर्कल को बड़ा करके अपने ड्रीम को क्या कर सकते हैं, नीड तो पूरी हो ही जाएंगी, और साथ में हमारे क्या हो जाएंगे, सपने पूरे हो जाएंगे। और सपने क्या होते हैं इंसान के, अगर मैं बात करूं, तो सपना क्या चाहता है आदमी, मेरे पास एक बढ़िया ड्रीम हाउस हो जिसमें स्विमिंग पूल हो, मेरी ड्रीम कार हो जिसमें मैं, जैसे बड़ी बड़ी कारें होती हैं, जैसे BMW, ठीक है, मर्सिडीज है, ठीक है, पोर्शे है, तो ये ऐसी गाड़ी पे क्या है, ये ड्रीम है हमारे, ड्रीम है। आप जितने भी इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को क्या है, ये ड्रीम है, इसलिए हम इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, और आज ये प्रेजेंटेशन फिर से देख रहे हैं, और कुछ नए लोगों को हम इस बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी आप देखिए, ये जो मैंने गाड़ियों के नाम लिए ना, तो हमें इन गाड़ियों के पहला नंबर तो हमें नाम ही नहीं पता है, ठीक है। आज आप छोटे बच्चे को, जो 6, 5, 6, 7, 10 ईयर का जो बच्चा है, आज अगर आप उसको पूछोगे कि बेटा आपको कौन सी कार लेनी, ठीक है, तो वो ऐसी कार बताएगा जिसका रेट 50 लाख से ज्यादा हो। और मैं अपनी बेटी की बात करूँ, तो वो मेरे को एक दिन गाड़ी दिखा रही थी, जिस गाड़ी का मैंने भी सुना था कि कोई ऐसे नाम की भी गाड़ी होती, तो गाड़ी का नाम था बुगाटी, और जब मैंने उसमें नेट पे उसका प्राइस डाल के देखा, 8 करोड़। सोचो ये बच्चों की जो सोच है ये कहाँ जा रही है, कितनी बड़ी सोच है। और इसी तरीके से अगर ये 10 लाख की हम इधर बात कर रहे हैं, आज हमें बेचक क्या नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये पक्का ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमें जब हमें ये प्लान दिखाया था, हमें बताया था आपको 2020 में ना 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई अपनी जरूरतें पूरी करने की, तो उस टाइम हमें यकीन नहीं हुआ था, पर आज हमें यकीन हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम वो वाली लाइफ क्या कर रहे हैं, अभी जी रहे हैं। तो आज हमारी लाख रुपए से भी क्या नहीं होती, अपनी सही तरह से पूरी जरूरतें पूरी नहीं होती, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा और पैसा चाहिए अगर हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए करने हैं। तो इसी तरह ये एमवे आपको क्या देता है, एक मौका देता है कि हम आपको क्या देंगे, एक मौका देंगे आपकी इनकम सर्कल को बड़ा करने के लिए। तो कैसे ये इनकम सर्कल हम बड़ा कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम क्या करते हैं इसको, 1-2 घंटा 2 से 3 घंटे अगर हम क्या करते हैं डेली, तो 1 से 2 साल के अंदर अंदर हम एक इनकम बना सकते हैं 5,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए। जब 1 लाख रुपया आप इनकम बनाते हो, तो आप होते हैं बिजनेस के प्लेटफॉर्म। इसी काम को अगर आप क्या करते हैं 2-3 घंटे डेली यही काम करते हैं, और 2 से 3 साल लगते हैं, आपको एक लेवल मिलेगा एमरल्ड, जिसकी इनकम होगी 3 से लेके 4 लाख रुपया, ठीक है। तो हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, वो फाउंडर एमरल्ड है इस बिजनेस के अंदर, जो जे वाली इनकम क्या करते हैं अभी बना रहे हैं। और इसी काम को अगर वही 2-3 घंटे किया जाए, और 2 से लेके 5 साल, ठीक है, एक लेवल मिलता है डायमंड, जिसकी इनकम होती है 5-6 लाख रुपया, ठीक है।
और जब ये इनकम, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे ये प्लान दिखाया गया था कि हाँ भाई इतनी इनकम आप लाख रुपए महीने की बना सकते हो, 5 लाख रुपए महीने की इनकम बना सकते हो, तो सच बताऊं दोस्तों मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम इस काबिल हैं कि हम इतनी इनकम बना सकते, क्योंकि ना ही हमारे पास इतनी बढ़िया एजुकेशन थी, ठीक है, और ना ही मतलब हम हमारे कोई माइंड के अंदर इतनी प्रोग्रामिंग हुई थी कि हम ऐसे इंसान हैं कि हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। हमारे माइंड में यही चीजें मतलब जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल था उन्होंने यही बसाया था कि हमारा 30-40 हजार रुपए की बना सकते हैं, इनकम बनाने के काबिल है। पर जब ये चीजें बताई गई तो हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, पर हमने बोला कि हाँ भाई ये तो हमारे बस की बात है, लाखों रुपए कमाना हमारे बस की बात नहीं है, पर हमने सोचा कि हाँ भाई अगर 10-20 हजार रुपए बनते हैं तो ये हमारे लिए बिजनेस काम करेगी। तो उसके बाद हमारे जो विजय जी ने हमें बताया कि आप ऐसा नहीं, देखो नौकरी तो आपके पास है, ये चैनल वाली नहीं है, पर 2-3 घंटे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, हमारा एक सिस्टम है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, एक लैपिंग हो सकती है उसके लिए, उस सिस्टम के साथ अगर आप जुड़ जाओगे तो हमारी जब मीटिंग में आओगे, अगर आपको यकीन हो जाए, कुछ मीटिंग आप अटेंड करो, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो, अगर आपको यकीन हो जाए कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, इतना पैसा आप कमा सकते हैं, तो कर लेना, नहीं तो आपके पास नौकरी तो है ये कहीं जाने वाली नहीं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसको क्या किया जाए, ट्राई किया जाए। दोस्तों इस तरीके की इतनी इनकम अगर आपको आए तो लाइफ में क्या हो जाती है, घर में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं, और ये जो इनकम है इसकी नेचर क्या है, वो नेचर है परमानेंट, ग्रोइंग अनलिमिटेड होती है, पक्की इनकम, ठीक है। पक्की इनकम कौन सी होती है, जो एक बार हम बनाए वो आती रहे, उसको पक्की बोला जाता है, ठीक है। हम काम करें ना करें वो इनकम क्या होती है, पक्की होती है। फिर ग्रोइंग, जैसे अभी हमने देखा कि हाँ हर 20 साल के बाद हमारी इनकम क्या हो जाए, 10 गुना बढ़नी चाहिए, पर यहाँ इनकम क्या होगी हमारी, दिन बाद दिन बढ़ेगी, और इधर क्या होगा, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं, ऑन गोइंग हमारे पास हमारे बच्चों पर ट्रांसफर हो जाएगी। सबसे जो बड़ा मुझे अट्रैक्टिव करने वाला जो पॉइंट लगता है इसके अंदर कि ऑन गोइंग, ठीक है, हमारे बाद हमारे बच्चों को इनकम जाएगी। आज हम जिस जॉब में है वो अपनी जॉब हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, हमारे बच्चों को कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। हमने भी जीरो से जॉब शुरू की थी, ठीक है, आज हम जिस भी पोस्ट में वहां से जब जॉब छोड़ेंगे तो ये मेरे तक खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चों को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, एक नए सिरे से स्ट्रगल करनी पड़ेगी हमारी नई जो आने वाली जनरेशन है। तो आज हमारे पास एक मौका है कि अगर ये वाले इनकम हम बनाए तो हमारे बच्चों को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, जहां छोड़ के जाएंगे वहां से शुरू करें। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि जहां हम काम छोड़ के जाएंगे वहां से कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत जबरदस्त फीचर है इस इनकम के। तो अगर आप ये इनकम बनाना चाहते हैं, ठीक है, और पहली बात यह है कि अगर आप कोई भी आम इंसान, आज अगर हम एमबीए की अगर बात कर रहे हैं तो एमबीए बिजनेस जो है वो करने के लिए, और ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर हमने ये वाले इनकम बनाने हो तो सोचो दोस्तों, अगर हमने 1 लाख रुपया महीने का बनाना है, 1 लाख अगर महीने का बनाना है, और अगर हमने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस से 1 लाख रुपया महीने का बनाना है या 5 लाख महीने का बनाना है, आपको क्या करनी पड़ी, हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास नहीं है, चाहते तो है हम 5 लाख कमाना, पर उसको कमाने के लिए अगर हमने एमबीए के अलावा कोई और बिजनेस करना पड़ेगा, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के बाद उसमें रिस्क क्या होगा, आपको 100% रिस्क है, हम सब को क्या है 100% रिस्क है। फिर क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए उस काम को करने के लिए, फिर उसके बाद क्या है, आपको नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए उस काम को बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात है 8 से 10 घंटे आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए, और होल लाइफ पूरी उम्र का क्या करना पड़ेगा, ये बिजनेस करना पड़ेगा। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर एमबीए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ठीक है। और फिर क्या, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क क्या होगा, जीरो, रिस्क जीरो होगा। फिर क्या है, यहाँ पे लोकेशन की कोई जरूरत नहीं, पूरा इंडिया हमारे लिए क्या है, मार्केट है, कहीं से भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को बता सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका नाम मैंने बोला ग्रेट वर्ल्ड वाइड, ये एक सिस्टम है जो आपको हेल्प करता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, और यहाँ पे आपको 2 से लेकर 3 घंटे क्या करना है, रोज डेली काम करना है, और 5 साल आपने ये काम करना है, 5 साल के अंदर आप क्या हो सकते हैं, इस बिजनेस में फाइनेंशियली साउंड हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और 5 साल भी काम करके जिधर हमने फुल लाइफ करना है, इधर हमने
सर म्यूट हो गया। काम करने अगर हमें एक ऐसा मौका मिल रहा है कि 5 साल काम करके हम पैसे वाली टेंशन को खत्म कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, इस काम को करना चाहिए। और 5 साल के बाद जो हमारी लाइफ होगी वो हम कैसे जी सकते हैं आगे हम बात करते हैं। तो ये सब कैसे हो जाएगा? अब मैंने इधर जो पैसे की बात की, आप किस लेवल पे पहुंचेंगे, आपके इतना ऐसा बनेगा, पर हम ये देख लेते हैं कि जो बिजनेस जो होते हैं वो होते किस तरीके के हैं और हमें क्या करना पड़ेगा ये वाली इनकम को कमाने के लिए। बहुत इजी है दोस्तों। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है प्रोडक्ट, ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। हमने अगर कोई बिजनेस करना है, जहाँ बिजनेस जो हो रहे हैं वो क्या होता है, फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है और उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कौन करता है, कस्टमर करता है। और जो प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनता है वो सीधा कस्टमर को नहीं मिलता, ठीक है। बीच में एक मार्केट होती है, अगर मान लो चलो फैक्ट्री के अंदर कोई साबुन या पेस्ट ऑयल या क्रीम कोई बनी कोई भी चीज जो करके घर में इस्तेमाल होती है, जो फैक्ट्री में बनी कस्टमर जब लेनी होती है वो किसके पास जाता है, एक रिटेलर के पास जाता है, ये होलसेलर के पास जाता है, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, किसी जॉबर एडवर्टाइजर के पास जाता है, ये जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री को जॉबर का क्या काम होता है, यार मेरे नाम के साबुन बना दो, मेरे नाम के क्या बना दो, आप पेन बना दो, मेरे नाम का ब्रश बना दो, मेरे नाम का आप ऑयल बना दो। तो फिर जब एक फैक्ट्री जब बना देती है तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो होती है 30-40% जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, और जब घूमते घूमते इधर से इधर तक कस्टमर का पहुंचती है तो 100% हो जाती है। 60-70% पैसा कहाँ चला जाता है, इस सिस्टम के अंदर चला जाता है, इसका बोलते हैं मिडलमैन, जो फैक्ट्री और कस्टमर के बीच में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं। जैसे जॉबर एडवर्टाइजर की बात करें, जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, और एडवर्टाइजमेंट जब होती है तो वो उन लोगों को हायर करते हैं जो सेलिब्रिटीज होती है, जैसे कोई फिल्म एक्ट्रेस हो गए, कोई क्रिकेटर हो गए, कोई प्लेयर हो गए, ये उन लोगों को क्या करते हैं, वो हायर करते हैं। अब वो जब जहाँ ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए वो पैसा लेंगे और वो करोड़ों रुपया लेंगे, कोई 1000-1200 लेके नहीं ऐड करेंगे, जहाँ मुफ्त में नहीं करेंगे, ठीक है, करोड़ों रुपया लेंगे, और वो करोड़ों रुपया किसकी जेब से निकलने वाला है, कस्टमर की जेब से, ठीक है। और सबसे मतलब कि बड़ी बात यह है कि जो लोग मशहूरी करते हैं वो लोग वो वाला ब्रांड यूज नहीं करते, तो सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। खुद तो वो पैसे ले जाते हैं और उसकी मशहूरी करते हैं, पर वो खुद क्या नहीं करते, ये वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, और वो प्रोडक्ट किसके इस्तेमाल करते हैं, वो एमवी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे अगर अमिताभ बच्चन की बात करें, वो एमवी के न्यूट्रिशन यूज करते हैं, आर्टिस्ट्री उनके घर में यूज होती है, और अगर जैसे धर्मेंद्र है, सलमान खान है, बहुत सारे एक्टर हैं जो आज क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ गए हैं, एमवी के प्रोडक्ट के साथ जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, 70% पैसा जा रहा है, मान के चले 30 रुपए की चीज 100 रुपए में मिली, ठीक है, और 300 रुपए की चीज क्या हो रही है, यहाँ 1000 रुपए की मिल रही है और 700 इधर जा रहे हैं, 3000 की चीज 10000 में मिल रही है, 700 इधर जा रहे हैं। तो एवरेज फैमिली खर्चा 10000 रुपया हर महीने हर फैमिली का हो ही जाता है। अगर एक एवरेज फैमिली 10000 रुपए महीने का खर्च कर रही है और वो 10000 रुपया उसके पीछे 7000 रुपए इन लोगों को जा रहे हैं, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हो क्या रहा है, अब जिस बंदे की, ये जो कस्टमर है, जहाँ कोई भी है, वो जो इधर पैसे खर्च करेगा, 70% पैसा जब उन लोगों के पास जाएगा तो सपने किन के पूरे होंगे दोस्तों, सपने इन लोगों के पूरे, ठीक है। पर इनके सपने पूरे करने की शक्ति किसके पास है, इस कस्टमर के पास, और कस्टमर के पास इतनी शक्ति है कि अगर इनको अमीर कर सकता है तो वो अगर खुद डिसाइड कर ले, वो खुद अपने आप को क्या कर सकता है, अमीर कर सकता है। दोस्तों जैसे हनुमान जी जब लंका में उन्होंने जाना था, जब वो समुद्र तट के पास खड़े थे, तो वहां पे मतलब कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे किसी को वहां पे भेजे, तो वहां पे वो एक जावा पान थे, वो भी थे, तो उन्होंने उनको एक क्या किया, अवेयर किया कि भाई हनुमान जी आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति, ठीक है, आप चाहो तो ये समुद्र क्या कुछ भी पार कर सकते, ठीक है। उसी तरह आज हम इस मीटिंग के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, भाई आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर शक्ति, अगर आप इनको अमीर कर सकते हो, आप अपने आप को भी अमीर कर सकते हो। कैसे,
इस्तेमाल करने वाला कस्टमर है, ये खाली प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं और 70% पैसा कमा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एमवे ने बोला कि हम भी क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो इसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। रोजमर्रा की जरूरतें क्या होगी, जैसे सुबह उठते साबुन पेस्ट शैम्पू चाहिए, ब्रश चाहिए, ऑयल चाहिए, क्रीम चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हाउस होल्ड के अंदर क्या होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो हम जान से लेते थे। हमने बोला हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो इसको चाहिए और बनाएंगे तो सीधा कस्टमर को देंगे। जब सीधा कस्टमर को देंगे तो ये 70% पैसा क्या है, कस्टमर का सेव होगा। अब दोस्तों आप ही बताओ, अगर आपका 70% सेव हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि नहीं है। हमने बोला कि हमारे लिए अच्छी बात है, हमने क्या किया, हमने सोचा ये तो अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम अब उधर नहीं जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अब हम एमवे के, हमारे घर में कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, टोटल एमवे के। और आज से नहीं, पिछले 15 साल से हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं बिजनेस, तो अभी हमने 4-5 साल से बनाना शुरू किया और प्रोडक्ट हम काफी देर से यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह क्या हुआ, जब आप इधर जुड़ जाओगे, पहले नंबर इधर से जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर डुप्लीकेशन आ जाती है और एमआरपी के ऊपर मिलते हैं, कोई गारंटी नहीं है वापस होने की। और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं एनिमल टेस्टेड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं फिर हमें दिए जाते हैं, ठीक है। पर अगर आप इसके साथ जुड़े होते हैं, हमें आपको कह दिया गया मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर खाली प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपनी डिटेल देके क्या हो सकते हैं, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपने बिजनेस बनाना है तो आप अपना आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट देके आप क्या हो सकते हैं, इससे ज्वाइन हो सकते हैं। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइनिंग की फीस जो है वो कोई फीस चार्ज नहीं होती, बिल्कुल फ्री है। पर जब आप ज्वाइन हो जाते हैं तो कॉर्पोरेशन आपको कहती है कि देखो इधर से तो आपको एमआरपी पे मिलता है सामान, ठीक है, और इधर से क्या मिलेगा आपको, 6% लगभग डिस्काउंट मिलेगा, एमआरपी से क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, एमआरपी से क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 6% क्या हो जाएगा आपको ट्रेड डिस्काउंट, जिसको आजकल कैशबैक बोला जाता है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर 10% आपको क्या मिलेगा, CSI कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ठीक है। अगर आप कस्टमर ज्वाइन करवा के उनके ऊपर अगर आप परचेज करते हो तो आपको 10% वो मिल जाएगा। टोटल आपको 22% क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है खाली यहाँ जुड़ने से, ठीक है। पर अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए और थोड़े से क्या है, इंसेंटिव है जो हम आगे बता करेंगे। और ये कॉर्पोरेशन कहती है कि आप जब हमसे ये प्रोडक्ट लेके जाओगे 30 दिन की गारंटी होगी, 30% इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए तो 100% क्या है, मनी बैक गारंटी। जैसे हमारे पास अगर हम देखें, हम सबके घर में क्या हेयर ऑयल यूज होते हैं और एक ये है, ठीक है, जो मार्केट में आता है, और अगर मैं इसके ऊपर एमआरपी पढ़ूं तो ये इसके ऊपर 88 रुपीज लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 88 88 एमआरपी क्या है और कितना है, 180 ml, ठीक, 180 ml और 88 रुपए का। पर यही ऑयल जो है एम्बे भी बनाता है आमला ऑयल, ठीक है, और ये अगर आप यहां से लेंगे आपको मिलेगा 80 रुपीज का, एमआरपी क्या है इसका, 80, और इस 80 रुपीज से क्या होगा, आपको 6% डिस्काउंट हो जाएगा, 6% क्या आ जाएगा आपको, कैश बैक भी आ जाएगा। फिर उसके बाद 30 दिन की गारंटी है, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज भी कर लोगे, इतना इतना अगर आप यूज कर लोगे तो खुला हुआ प्रोडक्ट वापस हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन से होंगे, सारे प्रोडक्ट होंगे ऑर्गेनिक होंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो सारे के सारे हर सेफ प्रोडक्ट, ठीक है। आप सोचो दोस्तों, अगर आपके शहर में आपके मोहल्ले में कोई ऐसी दुकान खुल जाए जो 6% आपको डिस्काउंट दे रही है, 6% कैशबैक दे रही है और गारंटी दे रही है, ले जाओ घर में यूज करो, अच्छा लगेगा तो रख लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस करना, अपने सारे पैसे वापस ले जाना, दोस्तों ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, डेफिनेटली चल रही है। पिछले 23 साल से इंडिया के अंदर ये दुकान चल रही है और जो इस दुकान के साथ जुड़े हैं वो आज वो सारी वो चीजें क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं जो सोच के वो इसके साथ जुड़े थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको यहाँ पे बेनिफिट देती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक बिजनेस करने का मौका, क्या दे रहे हैं, एक बिजनेस करने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको बिजनेस करने की। इधर से आज का कितना सामान हमने लिया, कितना यूज किया, हमें कोई मतलब की उसका पता नहीं है, और हमारे
70% गए गए। एक सर्वे हो चुका हुआ है कि आज तक जो भी लोग इस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, एक फैमिली पूरी लाइफ में अगर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दे और उसका 70 लाख कहाँ चला जाता है, इन मिडिल मैन के पास। ठीक है, आप सोच के देखो, जब आपकी कमाई का 70% 1 करोड़ का 70% 70 लाख रुपए होते हैं, आप सोचिए उस 70 लाख रुपए अगर आज हमारे पास होते तो हमारा घर गाड़ी और हमारे बच्चों की एजुकेशन कैसी होती। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं, पर आज के बाद, ठीक है, जब हमें ये क्या मिला, जब हमें ये मौका मिला कि हाँ भाई आप ये 70% हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो हमने डिसाइड किया हम किसके साथ जुड़ जाएंगे, एमबे के साथ जुड़ जाएंगे। तो आज उसके साथ जुड़ के हमने बहुत बड़ा एक बिजनेस बना चुके हैं और बना भी रहे हैं, अभी हमने बनाना 3 सालों, फिर उसके बाद हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो हम इस बिजनेस के में पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं। जब आप लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, वो आप 2-4-5 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, वो चीजें अचीव कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर तो आपको प्लान लेना है, फिर तो यहाँ तक प्लान आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है, पर कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके के हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। पीछे देखा कि 10 गुना इनकम क्या हमें चाहिए हर 20 साल के बाद, और आज हम देख सकते हैं, आज से ही अगर हम डिसाइड कर ले कि क्या कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं ना, जिस भी फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं, अगर हम अगले 5 साल हम कहाँ होंगे, कितनी हमारी इनकम होगी, वो आप घर में बैठे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन बना के देख सकते हैं कि 20 साल के बाद हमारी जो इनकम होगी कहाँ होगी। तो अगर नहीं है तो ये बिजनेस क्या हो सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, ऐसा मौका दे सकता है, जो इनकम आप ड्रीम इनकम जो पाना चाहते हैं वो इस बिजनेस के थ्रू पा सकते हैं। ऐसे अगर हम देखें, पहला काम हमने क्या करना है, एक दुकान को छोड़ना है और एक दुकान के साथ जुड़ना है, अपने घर के प्रोडक्ट क्या करने हैं, चेंज करने हैं। और जब भी हमें प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें क्या लगेगा, जब हमें प्रोडक्ट अच्छा लगेगा इसके बारे में हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे इस प्रोडक्ट को। ठीक है, जब प्रमोट करेंगे कौन सा काम होगा, जैसे जो पैसे ये ऐड करके कमाते थे वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमा सकते हैं, फिर हमारे पास इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशनशिप होगी, जहां चाहे वहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। होलसेल रिटेल वाला काम तो एमबे के अपने स्टोर में हो जाता है, तो उसकी हमें जरूरत है। ये दो काम करके हम क्या कर सकते हैं, ये 70% पैसे जो इस मार्केट के लोग कमा रहे थे वही 70% पैसा हम कमा सकते हैं। कैसे, एक सिस्टम है जिसका नाम है ग्रेट वर्ल्ड, इसके साथ जुड़े, बहुत सारे लोग एमबे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, एमबे देती है आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जिससे आपकी सेफ्टी होती है, अच्छी बनती है, और ग्रेट वर्ल्ड वाइज है जो आपको काम चाबी के क्या बताता है, वो सारे स्टेप बताते हैं जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों से क्या करेंगे इसके बारे में अवेयर करेंगे, जैसे आज हम क्या कर रहे हैं इस वर्चुअल मीटिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं, जैसे हम वन ऑन वन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हमारे लिंक के जो लोग हैं जब उनको हम अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे भाई इधर जाने से आपका क्या हो रहा है, 70% पैसा मार्केट में जा रहा है और इधर मुझे तो 70% आपके घर में आ सकता है, ये लोग आगे करेंगे। ऐसे करते करते क्या, ये क्या बन गया, ये बन गया नेटवर्क, ये क्या बन रहा है, नेटवर्क, और नेटवर्क किसका बन रहा है, ग्राहकों का, कस्टमर का। हमने बात की थी कि कस्टमर के अंदर वो शक्ति है, अगर वो कस्टमर अगर इकट्ठे हो जाए तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अमीर कर सकते हैं। तो आज हमें एक एमवे हमें मौका दे रहे हैं कि हम क्या हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो गए जब हम क्या करेंगे, काम करेंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, जब नेटवर्क बनेगा, अगर दोस्तों अगर आपने अमीर होना है तो क्या बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना। आज जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने नेटवर्क बनाया, जिसका ज्यादा नेटवर्क उसके उतने ज्यादा पैसे। तो इधर हम देख रहे हैं ये नेटवर्क क्या हो रहा है, ठीक है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड क्या बन रहा है, नेटवर्क। जब अनलिमिटेड नेटवर्क होगा तो आपकी इनकम भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर हमने 1 साल के अंदर कैसे हम इस बिजनेस में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए इस बिजनेस से बना सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर आपको 3 पावर क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं कामयाब होने के लिए। ठीक है, वो 3 पावर क्या है, अगर पहली बात की जाए तो एमबे की बात करते हैं। एमबे की बात करें, 1959 के अंदर स्टार्ट हुई थी इंडिया में, 1998 के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था।
इसके प्रोडक्ट की बात करें तो 450 इसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई लगभग 5-600 इसके क्या है साइंटिस्ट हैं जो दिन रात इस प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसे ये प्रोडक्ट है सर। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस बंद हो गई। हेमराज सर वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। तो डव रिकमेंडेड है और तो उसी तरह क्या है और जो प्रोडक्ट है जी नो एनिमल टेस्ट, कोई एनिमल टेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, और लगभग 118 कंट्री में जो प्रोडक्ट क्या करते हैं यूज करते हैं और लगभग इसको ठीक है कोई 62 ईयर हो गए हैं इस काम को चलते हुए। आप सोचो इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है, इतना इसकी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और सबसे बड़ी बात है कि इस जो एमवे के जो मालिक हैं इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, इनका सब पैसा अपना है, कोई इन्होंने किसी से शेयर मार्केट से नहीं लिया है, कोई ये शेयर नहीं है, ये अपना उनका खुद का पैसा है। तो इतनी बड़ी कंपनी आपको क्या दे रही है, मौका दे रही है, आओ मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, जो इनकम आप बढ़ाना चाहते हो वो आप इनकम बढ़ा सकते हो। तो इधर हमें एक्सपोर्ट मिली है इसकी एमवे कॉर्पोरेशन की, दूसरा आप यहाँ पे, और दूसरी एक और स्पोर्ट है, एक सिस्टम है जिसका नाम है ग्रेट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ से हमें क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है, ठीक है, कैसे एजुकेशन मिलेगी, जैसे ये मीटिंग हो रही है इससे हम क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो अभी क्या देख रहे हैं हम यहाँ से सीख रहे हैं, फिर CD, BCD, ठीक है, उसको सुनते हैं, फिर हमारी जो कुछ बुक्स होती है PMA बुक्स वो पढ़ के हम क्या कर सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, फिर हमारी जो अपलाइन है उसके साथ रह के हम इस बिजनेस को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। इधर एक टीम होती है जिसने आपको इस बिजनेस के साथ जुड़ा है, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है, ये आपको एजुकेशन देगी पर आपका जो नेटवर्क बनाने में आपको हेल्प करेगी वो ये टीम करेगी, क्योंकि आप जब इस बिजनेस के साथ जुड़ोगे तो आप पहले ही दिन या पहले ही महीने आप इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे कि आप लोगों को क्या कर सकते हैं बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, पर एक महीने में जो बिजनेस सीखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये टीम आपको हेल्प करेगी क्या करने के लिए, आपका नेटवर्क बनाने के लिए, वो आपके बिहाफ पे आप उनके साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, आपने लोगों को अवेयर करवा सकते हो। ये तीनों पावर क्या है, ये प्रूवन है, और चौथी पावर हमने बनना इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए वो कैसे होगा जब इनके साथ हम जुड़े, ठीक है, तो ऐसे करके क्या हो सकता है, एक लिस्ट बनाएंगे। आज हर किसी के मोबाइल के अंदर 100 से ज्यादा नाम होते हैं, पर अगर हम 100 ही लोगों को क्या करेंगे, अगर वहां से लिस्ट निकाल के अपने कॉपी पे लिखेंगे तो 100 लोगों की जब लिस्ट बनाए तो 100 लोगों को जब हम कॉल करेंगे कि भाई हमने एक काम शुरू किया बहुत बढ़िया है बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अगर आप ऐसे भी किसी को बोलोगे तो तब भी क्या होगा, 100 लोगों को फोन करोगे तो उसमें क्या होगा कम से कम 10-12 लोग क्या हो जाएंगे आपके साथ, 100 में से 10-12 लोग क्या होंगे वो आपकी बात मानेंगे और उनको बोलना वो पुराने वाले मार्केट को छोड़ दो और इधर आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, बाकी अगर मान के चले उधर हमने 10,000 रुपए की एग्जांपल दे दी, अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपए ही महीने का खर्च करके उसका 7,000 रुपए जा रहा था, वही 10,000 रुपए अगर हम एमवे के अंदर खर्च करते हैं देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। अब अगर 10 लोगों ने 10,000 रुपए का क्या किया यहाँ पे बिजनेस किया जो हम मार्केट में डालते हैं वही हमने कहाँ पे किया यहाँ पे किया, और 10 लोगों ने 10,000 रुपए का बिजनेस किया तो सेल 1,00,000 रुपए की हो जाए, पहले सेल 1,00,000 रुपए की ये वाले मार्केट में होती थी तो उसमें हमारा करवाने का हमारा रोल होता था, क्योंकि हम ही क्या करते थे उसमें सपोर्ट करते थे, भाई मोबाइल अच्छा है ये स्कूल अच्छा है, ठीक है, हर एक तरीके का क्या करता है, डॉक्टर अच्छा है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन अच्छा है, वो गाड़ी का शोरूम अच्छा है, तो इस तरीके से क्या करते थे हम यहाँ पे प्रमोट करते थे, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं मिला। पर इधर जब आप एमवे के लिए ये चीज करोगे तो आपको क्या होगा, अगर आपकी 1,00,000 रुपया आपकी वजह से सेल हुई तो लगभग आपको कोई 5 से लेके 6,000 रुपए की हो सकते हैं आपकी इनकम बन सकती है, ठीक है, 10,000 रुपया आपने खर्च किया, अगर 5-6,000 रुपया आपको एक इनकम बन सकती है, मुझे लगता है इससे सस्ता बिजनेस और क्या हो सकता है, ठीक है, बहुत ही सरल तरीका है, खाली अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करके क्या हो सकता है। अगर यही लोग क्या करते हैं,
वही काम करते हैं, 100 लोगों की लिस्ट बना दी, ठीक है, तो उस 100 में से 10 लोग क्या हो जाएंगे, उनसे भी निकल आएंगे। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, इधर से एमबीके पॉइंट यूज कर रहे हैं और इधर से इस ब्रिक वर्ल्ड वाइड सिस्टम के साथ और स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं। और इनके साथ जुड़ने से क्या होगा, जब आप 10 लोगों को इस बिजनेस के साथ जोड़ते हैं और टोटल आपके नेटवर्क में 100 लोग हो जाते हैं, 100 लोग अगर क्या है, अगर ये 10,000 का बिजनेस करते हैं तो टोटल सेल हो जाएगी 10,000। सोचिए दोस्तों, अगर 10,000 रुपए की हमने क्या करनी हो, कोई बिजनेस शुरू करके अगर सेल करनी हो 10,000 की, पहला कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए कितनी हमें भागदौड़ करनी पड़ेगी 10,000 की सेल करने। पर यहाँ इस सिस्टम के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी कोई दुकान नहीं, हमारे घर ही हमारी दुकान, घर से ये बिजनेस स्टार्ट है, इसीलिए बोला जाता है ये होम बेस्ड बिजनेस, घर के कोने से क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जब 10,000 की सेल हो जाएगी, इसकी जो कमीशन बनेगी वो होगी 21%। अब 10,000 की 21% होगी 210,000, ठीक है। ऐसे ही अब उसमें से 1,00,000 रुपया आपकी, और 1,00,000 रुपया लगभग 1,10,000 रुपया सारे नेटवर्क के अंदर बांट रहे, सबको पैसे मिले, नीचे से पैसे शुरू होते हैं बांटना, ऊपर से भी नीचे, पहले इसको बांटेंगे, फिर इसको बांटेंगे, फिर इसको बांटेंगे, जो बचेगा ये जाएगा, तो जो कितना बचेगा आपको लगभग 1,00,000। आप सोचे तो देखो, और इसको, इस काम को यहां तक पहुंचाने के लिए, 1,00,000 इनकम कमाने के लिए 1 साल या 2 साल के अंदर ये पॉसिबल है। आप सोच के देखो, अगर 1 साल के अंदर 1,00,000 रुपए इस बिजनेस में बनाए जा सकते हैं, तो हमें कैसे इस बिजनेस के अंदर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। जो पैशनेट तरीके से इस बिजनेस को काम करते हैं, वो डेफिनेटली इस प्लैटिनम, यहाँ पे अगर आप पहले भी नहीं करते तो सिल्वर होते, 3 महीने मेंटेन करते हो तो गोल्ड, और 6 महीने मेंटेन करते हो तो प्लैटिनम। जब आप इस बिजनेस में प्लैटिनम होते हैं, लगभग 1,00,000 रुपया आपकी इनकम होती है इस बिजनेस के अंदर, और 1 साल, ठीक है, अगर 1 साल के अंदर 1,00,000 रुपया इनकम बन सकती है, तो सोचो अगर दूसरे साल कितनी होगी। अब आपने क्या किया, जब आप यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 1,00,000 रुपया इनकम बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप होते हैं प्लैटिनम और इनकम है 1,00,000 रुपया महीने, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े थे, उनमें से एक आदमी ने डिसाइड किया कि हम भी क्या करेंगे, इस इनकम को बढ़ाएंगे, और अगले साल वो भी क्या हो गया, प्लैटिनम, ठीक है, एक प्लैटिनम, दो प्लैटिनम, अगर दो प्लैटिनम हो जाते हैं तो आप इस बिजनेस का काउंटर प्लैटिनम होते हैं, इनकम होती है 1,50,000। अगर आपने 3 प्लैटिनम हो गया, ठीक है, तो 3 प्लैटिनम मतलब आपका लेवल बनता है एमरल्ड, जिसकी इनकम होगी 2 से लेके 3 से लेके 4 लाख रुपए महीने। तो हमारी अपना फाउंडर एमरल्ड है इस बिजनेस के, बहुत जल्द इसी साल वो डायमंड चले जाएंगे इस बिजनेस के, ठीक है। और अगर आपने 3 और प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दी, 3, 6 टीमें आपकी प्लेटफॉर्म, ठीक है, जब 6 टीमें आपकी प्लेटफॉर्म होगी, आप इस बिजनेस में डायमंड, और डायमंड टीम को मैंने बोला 5 से 6 लाख और पर मंथ। आप सोच के देखो, अगर आपको, हमने इधर बात की थी 2 से 5 साल, अगर हमें 6 साल भी लग जाए, 2 से लेके 6 साल के अंदर अगर हम इस बिजनेस में डायमंड चले जाते हैं, तो सोचो दोस्तों, 5-6 लाख रुपए महीने की जब इनकम होगी तो क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या क्या हमारे पास रिवार्ड होंगे उसके, वो हम देखते हैं इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो अब मान के चलते हैं, कोई भी पर्सन जो है जब इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है, अब ये बंदा क्या हो जाता है, ये है डायमंड, इस बिजनेस के अंदर 5-6 साल काम किया और क्या हो गया, इस बिजनेस में डायमंड हो गया। जब डायमंड होगा तो इसकी इनकम होगी 5 से 6 लाख रुपए, और ये तो इनकम होगी होगी, ठीक है, और ये इनकम इस बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये उस टीम के ऊपर डिपेंड है जो इन्होंने 5-6 साल के अंदर बनाई है। तो इसका मतलब है इसके पास नहीं है फ्रीडम है इसके पास, ठीक है। फ्रीडम होगी तो क्या होगा, पहला आपके पास रिवार्ड होगा मनी फ्रीडम, 5-6 लाख रुपया अगर महीने की इनकम हो तो हमें खर्च करने की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, फ्रीडम है मनी, फिर पैसा के साथ साथ आपको दूसरी क्या मिलेगी, टाइम फ्रीडम, आपके पास समय की आजादी होगी, ठीक है, आप जहां जाना चाहे जा सकते, ठीक है। जैसे ये जो अभी मैं जहां पे रिवार्ड को लिख रहा हूँ,
ये सारे रिवार्ड जो हमारे अप्लाई है विजय जी वो एंजॉय करते हैं। अभी तो पिछले हफ्ते एक हफ्ता वो बाहर रह के आए डोडा की उनको कोई टेंशन नहीं कि मुझे कहां कोई दफ्तर जाना या किसी रिपोर्टर नहीं क्यों क्योंकि आज इनके पास क्या है पैसे की फ्रीडम है आज इनके पास क्या है समय की फ्रीडम है अगर उनको मिल सकती है तो अगर हम ये काम करेंगे तो हमें भी मिल सकती है। और उसके बाद है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही जबरदस्त जो फीचर है इस इनकम का ठीक है ये ऐसी इनकम है जो हर महीने बढ़ के आनी है ठीक है फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारी इनकम किन के ऊपर डिपेंड है वो जो टीमें हमने तैयार की जो 1,00,000 रुपए कमा रही थी 1,00,000 अब ये जो लोग हैं ठीक है ये जो लोग हैं ये अपने लाभ को 2,00,000 करने के लिए काम करेंगे आपके लिए नहीं काम करेंगे तो ये 1,00,000 की जगह 2,00,000 कमाएंगे तो इनका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा ठीक है तो इसको बोला जाता है एसेट बेसिंग एसेट तैयार किया हमने एक टीम तैयार की और हमने एक एसेट तैयार किया दो टीम दूसरी टीम तैयार की दूसरा एसेट फिर तीसरा ऐसे करके 6, 7, 8, 10 जितने एसेट आप क्लेम करना चाहते हो सोर्स ऑफ इनकम के वो आप कर सकते हैं तो इस तरीके से क्या है ये फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी पैसे कमाने की टेंशन खत्म एक बार जब आप डायमंड बन जाते हैं बाकी क्या है पैसे कमाने वाली टेंशन खत्म हो जाती है फिर क्या है वर्ल्ड टूर हर साल फॉरेन घूम सकते हैं जैसे हमारी अप्लाई पिछले 10-12 साल से क्या कर रही है इस वर्ल्ड टूर के ऊपर जाती है और उनको देख देख के हमें भी क्या आ गया जोश आ गया कि हम भी इस बिजनेस को करेंगे हम भी फॉरेन जाएंगे हमें भी मौका मिला फॉरेन जाने का ऐसे करके फिर रिकॉग्निशन ठीक है और रिकॉग्निशन कैसा है रिकॉग्निशन इस तरीके का है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हो ठीक है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हो तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारी हमारी बुक्स होती हैं उन बुक्स के अंदर क्या होता है ठीक है उसमें आपकी स्टोरी आपका नाम इस बिजनेस के अंदर क्या दिया जाता है लिखा जाता है और लोग पढ़ते हैं सीधी बनती है रिकॉग्निशन की बात करें फिर क्या है गुड हेल्थ और एमडी के प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो आप पहले से ज्यादा हेल्दी होते हो फिर उसके बाद मैं अपनी बात करूं जहां अपने परिवार की बात करूं मेरे को भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज रहते थे हमारी वाइफ को बहुत सारे हेल्थ चैलेंज रहते थे जब से हमने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए तब से हम हेल्दी हैं हम भी हेल्दी हैं हमारे बच्चे भी और हमारे पेरेंट्स भी ठीक है मैं अपने अगर मदर की बात बताऊं तो हमारी मदर को आज 4 साल पहले डिस्क की प्रॉब्लम हो गई तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये पेन किलर खा के ही क्या होते हैं तीनों मन के क्या हो गए थे जुड़ गए थे ठीक है उनको बड़ी परेशानी होती थी बेड पे उठने से बाहर आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी बेड पे सोए रहते थे लेटे रहते थे तो जब हमने डॉक्टरों को देखा तो वहां लेने में भी परेशानी ठीक है जब हमने उनको बताया कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया आपको पेन किलर खा के ही क्या करना पड़ेगा गुजारा करना पड़ेगा लेकिन हमें पता था कि हाँ भाई हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो जिससे ये ठीक हो सकते हैं हमने फिर उनको 3 प्रोडक्ट शुरू किए एक हमने ग्लूकोसामाइन ओमेगा 3 और कैल्शियम उनको हमने देना शुरू किया दोस्तों 2 महीने में हमारे मम्मी फिर से क्या वही काम करना शुरू कर दे जैसे वो पहले चलते फिरते थे और आज तक वो वैसे के वैसे ही है खुद चलते फिरते हैं सारे काम करते हैं हम बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं वो हमारे बच्चों को भी क्या करते हैं उनके लिए खाना पीना उनकी केयर करते हैं या उस टाइम अगर हम ये सोच लेते कि 5,000 रुपया खर्चा महीने का तो क्या करेंगे ऐसे पेन किलर खिलाओ और पेन किलर खिलाने से क्या होती है वो दिन ब दिन क्या होते हैं और वीक हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं हमें डॉक्टरों के पास क्या हो जाना उनको पहले डॉक्टर के पास जाओ ठीक है फिर वहां बैठो कितना समय और पैसा कितनी मतलब टेंशन कितना स्ट्रेस होना था बॉडी पर आज हम बिल्कुल फ्री है हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमको डॉक्टर के पास लेके जाना है क्योंकि उनको सप्लीमेंटेशन तब से क्या हो रहा है कंटिन्यू चल रही है ठीक है तो ये इतने बढ़िया प्रोडक्ट है तो क्या मिलेंगे आपको गुड हेल्थ फिर उसके बाद क्या है हेल्प अदर हम बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं इस बिजनेस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं एक हेल्प बोलती है कि हमने 10,000 रुपए दे दिया उसको हेल्प को एक हेल्प बोलती है एक हेल्प बोलती है उसको 1,00,000 रुपए महीने के कमाने के काम बना दिया जैसे पिछले मंथ हमारी टीम एक प्लेटफॉर्म आए ठीक है इस साल एक और प्लेटफॉर्म आ रहे हैं ठीक है तो इससे क्या हो रहा है हम लोगों को क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं जैसे मेरी भी हेल्प की विजय जी ने हमारी हेल्प की इस में काम जाऊ तो ये हमारी हेल्प अगर वो एक बार हमारी 10,000 रुपए तो क्या हेल्प पर आज हमें हर महीने के आते पैसे आते हैं तो ये वाली हेल्प क्या है ये बहुत बढ़िया तो ये सारे रिवॉर्ड आप देखो जब आप डायमंड होते हो तो आप में ये सारी चीजें होती जब ये चीजें आपकी चीजें होंगी और आप सोच के देखो कि हमारी लाइफ कैसी होगी 5 साल में काम करके हम क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं
और पैसे कमाने वाली क्लाइंट्स को खत्म करके आप सोचो उसके बाद ये सारी चीजें पांच साल में हमारे पास होंगी तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कैसी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हम चाहे तो सोशली काम कर सकते हैं, हम चाहे तो स्पिरिचुअली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं स्पिरिचुअली काम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, जो भी आप चाहते हो वो सारी चीजें क्या हो सकती है। ठीक है, पांच साल का जो प्रोजेक्ट है, पांच साल अगर आप इस बिजनेस में काम करोगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों एक छोटी सी बात कह के क्या बात खत्म करता हूँ, देखो आज हम जहाँ पे हैं हम अपनी सोच की वजह से। अगर कोई भी बंदा अपनी सोच अगर बना लेगा कि इस बिजनेस में डायमंड जाना है तो डेफिनेटली वो क्या चला जाएगा, इस बिजनेस के अंदर डायमंड चला जाएगा और अपनी ड्रीम लाइफ जिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि पूजा दो मिनट आए बात करे, उसके साथ ही हम क्या करेंगे जब प्रेजेंटेशन को यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि समय हो चुका हुआ है। तो हियर इज माय वाइफ, थैंक यू सो मच। और आज का प्लान तो बहुत ही बढ़िया था और मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं क्लैपिंग होनी चाहिए वर्मा सर के लिए। और फ्रेंड्स जैसे बात करें तो नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है मीरा वर्मा। फ्रेंड्स थैंक्स करते हैं परमपिता परमात्मा का और थैंक्स करते हैं अपनी ग्रेट ग्रेट अपनी लाइफ ग्रेट योर क्लास वन का, इनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। और फ्रेंड्स उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी कामयाबी, मतलब उन्हीं का रोल है जो आज हम आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम थैंक्स करते हैं एमबे का, जो एमबे कॉर्पोरेशन का जो हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है और हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है इन प्रोडक्ट्स के साथ, हम भी हेल्दी हैं और हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स जैसे सर ने बताया आपको कि हम हेल्दी हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करके। तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद हम थैंक्स करते हैं ब्रिट वर्ल्ड लाइफ सिस्टम का जो इतनी अच्छी एजुकेशन हमें दे रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जो हमारे घर में चैलेंजेस थे, जो हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े थे, हम पहले इस बिजनेस में नहीं थे तो बहुत ज्यादा हमारी लड़ाइयाँ होती थी। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ और मैं बार बार यही बात करती हूँ कि यही जो सिस्टम है इसी ने हमारी जो हमारा चेंज किया, हमें चेंज किया और आज हम हस्बैंड वाइफ एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। तो ये इस ब्रिट वर्ल्ड लाइफ सिस्टम का ही कमाल है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमारी जो टीम है ग्रेट टाइगर ट्री टीम कहते हैं जिसको हम, उसका बहुत बड़ा रोल है, है ना। तो उनका उनके लिए भी थैंक्स, उनको भी थैंक्स बोलती हूँ मैं कि जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जैसे बात करें मैं अपनी बात करूंगी कि चैलेंजेस बहुत आएंगे। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे ना तो बहुत चैलेंज आए हमारी लाइफ में, लेकिन हमने हम चैलेंजेस के ऊपर फोकस नहीं किया। कहते हैं ना जब बच्चे छोटे हैं, जब हम कहीं जाते हैं प्लान करने तो लेडीज का मेन यही होता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे बच्चे भी छोटे थे। तो और थैंक्स करते हैं बाकी जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जम्मू की जितनी भी टीम है लीडर्स हैं उनका थैंक्स करते हैं जिनको देख देख के हमने ग्रो किया। तो फ्रेंड्स उनको भी पता है, उन्होंने भी देखा होगा कि मैं इतने छोटे बच्चों को लेके अपने साथ आती थी और दूध की बॉटल मेरे हाथ में होती थी तो मैं उनके मतलब हम मीटिंग कभी नहीं मतलब मिस करते थे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने चैलेंज बनाया और सर को बोला कि आप अकेले चले जाओ मीटिंग में, मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे छोटे हैं या घर की कोई प्रॉब्लम है, हमने कोई चैलेंज नहीं बनाया। तो हम चलते चले गए जैसे जैसे हमारी अपलाइन हमें बोलते चले गए तो हम करते चले गए और हमने कोई मीटिंग अटेंड मतलब नहीं की, मतलब नहीं छोड़ी। और साथ में जो भी सेमिनार्स होते थे बाहर की बात करें लुधियाना में चंडीगढ़ में जो भी होते थे हम उनको जाते ही जाते थे, वहां पर जाते थे और अपनी टीम के साथ जाते थे और हमने कभी चैलेंज नहीं बनाया। कई बार बीच में ये भी हो जाता था कि हमारे पास हो सकता है कि बिजनेस जैसे सर की बात करें तो सर जॉब में थे तो कई बार चैलेंज पैसे का भी आता था, लेकिन हम कहते थे कि नहीं चैलेंज नहीं बनाना इस चीज को क्योंकि हमें पता चल गया था, हमारा विजन क्लियर हो गया था कि अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हमारी भी लाइफ चेंज होगी, हमारे बच्चों की भी लाइफ चेंज होगी। तो हमने कभी भी किसी भी चैलेंज पर फोकस नहीं किया। तो फ्रेंड्स जैसे एक बार की बात सुनाऊं, दो साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई तो उस दिन जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई उस दिन मैडम ब्रैच और सर आ रहे थे वहां पे पठानकोट में, तो उस टाइम पापा को लेके जा रहे थे, पापा का संस्कार था, 2 बजे उनका संस्कार हुआ और 4-5 बजे पठानकोट में मीटिंग थी। तो सर वर्मा सर कहते हैं कि आज मीटिंग है, तो मैंने बोला
कोई बात नहीं, अब तो हो चुका है जो होना था, लेकिन आप जाइए। तो उसके दूसरे दिन हमारा सेमिनार आ गया लुधियाना में, तो टिकट्स में हमने सारी टीम को पहले ही दे दी गई थी, तो हम ना भी नहीं कर सकते थे। तो वर्मा उस दिन संडे था, तो लुधियाना में सेमिनार था, तो तीसरा दिन था मेरे पापा की डेथ हुए, तो मैंने फिर भी चैलेंज नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये जो टीम है, टीम को थोड़ी हमने नाराज करना है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जा रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। सर कहते हैं अगर तेरा मन है तो रहने दे, नहीं मतलब आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी आपके साथ। तो फिर सर फ्रेंड्स मैं तब भी गई उनके साथ, तो हमने कभी भी कोई मीटिंग भी मतलब छोड़ी ना, कोई हमने सेमिनार छोड़ा और ना ही हमने सिस्टम को छोड़ा। तो फ्रेंड्स अब हमारे घर में 100% प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और जो भी मतलब सिस्टम होता है हम सारे वो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सिंपल कपल इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप सारे के सारे कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू दोस्तों। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अभी एक इनको जॉब करने का बड़ा मन था, तो इन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। एक तो उस फॉर्म में ना इनका लिस्ट में नंबर आ गया, ठीक है। तो अब वहां से कॉल आने लगी, कॉल भी आ गई कि भाई आप यहाँ पे ज्वाइन करो, तो डॉक्यूमेंट वगैरह आप जमा कराओ। तो लेकिन इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोग जॉब के पीछे भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे, पर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोगों की जॉब छुड़ाने के चक्कर में है, अगर खुद ही हम जॉब करेंगे तो जॉब में कितने 20,000 ज्यादा 30,000 इनकम होगी, पर यहाँ पे हम एक साल में अगर 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसी बिजनेस को क्या करेंगे, ठीक है, इस बिजनेस को करेंगे। और इन्होंने जॉब करने का जो डिसीजन था वो छोड़ दिया। तो बहुत ही बढ़िया और बड़ी सपोर्ट है मुझे इस लेडी की, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाब हूँ। और अपनी टीम को हम क्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। किसी ना किसी पर्सन की लाइफ में जरूर वो बातें टच की होंगी, और वो भी आप डिसीजन लेंगे कि यस आई कैन डू इट, वो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लीडर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, अभी एक वीडियो देखेंगे कॉर्पोरेशन की, और इस वीडियो को हम लाइव देखेंगे। तो ओवर टू पंकज जी। Embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes.
Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for our nutrition and beauty segment. तो थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू सो मच। और अभी हमने ऑपरेशन का वीडियो देखा और हमारा प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम अगले पार्ट पे चलेंगे। और दोस्तों मैं सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर अपने नाम के आगे पिन को मेंशन करें ताकि इनको इनवाइट